आला हजरत से मोहब्बत करने वाले कान खोल कर सुन लें। मेरे वालिद माजिद हैं हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा खान साहब अलैहि रहमा व रिज़वान ने बारहा ये बयान किया कि आखिर जमाने में जब ज़ौफ़ बढ़ गया तो आला हजरत कुर्सी पर बैठकर बैठ जाते थे घर में, और घर में से मेरे वालिद माजिद और कोई रिश्तेदार दूसरे उस कुर्सी को उठाकर ले जाते थे मस्जिद तक। तो कहा कुर्सी पर बैठ कर जाते थे और उस कुर्सी को उठाने वालों में मैं भी होता था, और जब बयान करते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे और फरमाते थे कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इन खिदमात के सिले में मुझे बख्श देगा। बताइए ऐसे। और खुद मेरे वालिद माजिद हमारे महल्ले में जाके पूछ लीजिए, बैठक में रहते थे आखिर जमाने में, और बैठक में से ऐसे ही उठकर चल देते थे। भूल भी हो गई थी आखिर जमाने में, वो उनको अपनी हालत का अंदाजा नहीं, तो ऐसी बाज़ वक्त गिर भी जाते, बाहर निकले किसी ने देखा पढ़ लिया मस्जिद तक पहुंचा दिया लोगों ने, ऐसे नमाजें पढ़ते थे। एक बार नमाज पढ़ के आ गए दोबारा फिर पहुंच गए भूल की वजह से, लोगों ने देखा तो कहा हजरत आपने नमाज पढ़ ली, इमाम ने कहा मौजिन ने कहा, और लोगों ने बोले ही नहीं पढ़ी, भूल हो गई थी, 91 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, 91 साल कुछ महीने, समझा। तो गवाहियां पेश होती थी हजरत आपने नमाज पढ़ ली तो मानते थे जी। और अब हुजूर मुफ्ती आजम का हाल सुनो, जिस रात में विसाल फरमाया है 1:40 पर, तो मगरिब की नमाज पढ़कर हजरत अमीन शरीयत और मैं और सलमान मियां मगरिब की नमाज पढ़कर पहुंचे कमरे में, तो भाई साहब ने पूछा क्या हुजूर ने नमाज पढ़ ली है, तो हजरत ने फरमाया मुझे नहीं मालूम, हजरत को भी भूल हो गई थी आखिर मुझे नहीं मालूम। और फिर हजरत पूछने लगे तो एक ईसा भाई नाम के एक अफ्रीकी तालिब इल्म थे जो खिदमत में थे वहाँ, उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर ने नमाज नहीं पढ़ी, तो बोले भाई मुझे वजू कराओ मुझे नमाज पढ़वाओ। तब जनाब वजू के लिए हजरत को बिठाया गया तो हाफिज मोहम्मद हुसैन अफरीकी के भी पढ़ते थे, इन्होंने पकड़ के और किसी ने चौकी पलंग जो था वो चौकी के बराबर था चौकी पर लाए और बिठाया और पानी रखा गया। तो वजू में किसी से मदद नहीं लेते थे कि बिला हाजत मदद लेना नहीं चाहिए, ये हमेशा लोग चाहते थे कि वजू करा दें, तो हजरत नहीं मानते थे। जनाब तो आधा वजू खुद फरमा लिया, और जबकि लोटा भी हजरत का बड़ा होता था एल्युमिनियम का, आधा वजू खुद फरमा लिया, फिर उसके बाद दूसरा लोटा भर कर दिया गया। तो अब सबको मालूम था कि हजरत तो ये पसंद फरमाते ही नहीं है कि कोई मदद करे वजू करने, तो लोटा सीधे हाथ से जो उठाया तो हाथ ऐसे होने लगा कम ज़ौफ़ की वजह से, तो मैंने लोटा पकड़ लिया और मैंने अर्ज किया कि हुजूर ऐसी हालत में तो मदद ले सकते, उनको मसला बताना आफ्ताब को चिराग दिखाना था जी।
मगर खैर उस वक्त हजरत ने लोटा छोड़ दिया और मैंने बाया हाथ धुलवाया। उसके बाद वो ईसा भाई मेरे मुझसे कहने लगे कि हजरत लोटा मुझे दे दीजिए। मैंने उनको दे दिया कि उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं इस वजू की तकमील करा दूं। तो उन्होंने वजू पूरा कराया। अब हजरत को नमाज के लिए क़िबला रुख किया गया। अब मैंने देखा कि हाफिज़ मोहम्मद हुसैन हजरत को बगल में हाथ डालकर उठा रहे हैं और हजरत भी उठने की कोशिश फरमा रहे हैं। तो मैंने कहा कि हुजूर ऐसी हालत में तो बैठकर भी पढ़ सकते। ये याद रहे कि उसी रात में 1:40 पर विसाल फरमाया जी। तो मैंने कहा ऐसी हालत में तो बैठकर भी पढ़ सकते हैं। तो हाफिज मोहम्मद हुसैन ने कहा कि आप कितना भी कहें हजरत फरसों खड़े होकर पढ़ेंगे। और हजरत ने भी बड़े पुरसकून अंदाज में फरमाया अरे भाई फर्ज तो खड़े होकर पढ़ लें और मगरिब के फर्ज खड़े होकर अदा फरमाए। ये हमारी हम तीनों गवाह हैं जी। बताइए